हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले नेचुरल गैस के जुलाई फ्यूचर्स करेंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहा है। और आपको पता हो कि कल हमने जिस तरह के टारगेट्स दिए थे इंट्राडे लेवल के अंदर, वो सब अचीव होते हुए आपको देखने को मिले डिस्पाइट ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी। एक अच्छे खासे अप ट्रेंड पे करंटली नेचुरल गैस चल रहा है। अगर हम इसको 1 आवर की टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर हम एनालाइज करते हैं, दैट इज लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर हम एनालिसिस करते हैं, तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको रिस्क कम और रिवॉर्ड की जो चांसेस होते हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। सो आप करंटली जिस तरह का फेस आप देख सकते हो, दैट इज एक अच्छा सा अपर मूवमेंट के साथ थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, फिर कॉन्सोलिडेशन, फिर एक अच्छा सा अपर मूवमेंट, फिर कॉन्सोलिडेशन, फिर एक अच्छा सा अपर मूवमेंट कॉन्सोलिडेशन, एज वेल एज अभी भी आपको वही सीन देखने को मिल रहा है। दैट इज एक अच्छा खासा अपर मूवमेंट जो आपको कल देखने को मिला है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर और अभी कंसोलिडेट यहां पर आपको दिखने को मिल रहा है क्लियरली। अगर हम 15 मिनट की टाइम कैंडल के हिसाब से बात करें ऑन एन इंट्राडे लेवल, सो आप देख सकते हो कि कल की जो मार्केट में जो वॉलिटिलिटी थी, आपको एंट्री कब लेनी थी, जब ये अपना जो प्रीवियस हाई, जो पूरा दिन आप देख ही सकते हो कि ज्यादा कुछ वॉलिटिलिटी आपको क्रिएट होते हुए देखने को नहीं मिली। बट उसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे ही इसने अपना जो हाई था नियरली जो कॉन्सोलिडेट कर रहा था, वो जैसे ही उसने ब्रेक किया, एक अच्छा सा आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। सो आज भी मैं यही बोलूंगा कि अगर आप अभी जिस तरह से कॉन्सोलिडेशन मोड के अंदर चल रहा है, अगर आप कुछ सेल डेट इज शॉर्ट करना हो, तो मेरे हिसाब से ये जो प्राइस लेवल डेट इज नियरली 264.5 या फिर 264 के अगर नीचे जाता है, तो आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। या फिर अगर आपको एंट्री, दैट इज अगर आपको लॉन्ग पोजीशन में आपको एंट्री लेनी है, तो मेरे हिसाब से अभी जिस तरह से कंसोलिडेशन मोड के अंदर भी करंटली चल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको बाय सिग्नल क्लियरली देखने को मिल सकता है इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आई थिंक सो 15 मिनट की टाइम कैंडल के हिसाब से यहाँ पर आपको बाय सिग्नल देखने को मिलेगा। और जैसे ही मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट देगा अपसाइड डायरेक्शन में, मेरे हिसाब से टारगेट एक अच्छा सा आपको दैट इज 1 से 2 पॉइंट तक के जो टारगेट्स होंगे अपसाइड डायरेक्शन में, वो आपको आराम से क्लियर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको फिर भी इंट्राडे लेवल के हिसाब से नहीं, बट एक अच्छे से एकदम विदाउट रिस्क, दैट इज कम रिस्क के साथ अगर आपको ट्रेड करना हो, तो मेरे हिसाब से अपना जो जैसे ही अपना प्रीवियस हाई तोड़ेगा, एक अच्छा सा अपर मूवमेंट दैट इज R2 दैट इज 273 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 275 एज वेल एज 276 तक के भी टारगेट आपको अपसाइड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। सो होप करता हूं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज इस वीडियो की मदद से आप थोड़ा बहुत पैसा भी कमा पाए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो कॉमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेड करता है, या फिर जिनको कॉमोडिटी मार्केट के अंदर ऑन इंट्राडे लेवल पे अगर उनको दिक्कत होती है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए आसानी होगी कि आपको जो ट्रेड लेना है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले आपको कौन कौन से की फैक्टर्स ध्यान में रखनी चाहिए, एज वेल एज आपको किस तरह का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कौन से टाइम पे एंट्री लेनी, एज वेल एज टारगेट्स आपके ऑन एंड इंट्राडे लेवल्स क्या होने चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।